वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातु। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मटन मिक्स मसाला बना रहे। आपको गोश्त डालना है तो गोश्त भी डालो, हम मटन मिक्स मसाला बना रहे। यहाँ पर कलेजी, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी यहाँ पर थोड़ी सी निकाली हुई है, 200 ग्राम कलेजी है और ये पूरा मिलाकर 1 किलो है। मतलब इसमें दिल, फेफड़ा और इसके अंदर गुर्दा ये 1.25 किलो है और ये 200 ग्राम, 200 से 250 ग्राम यहाँ पर कलेजी है। 3 बड़े साइज के प्याज है जिसको स्लाइसली चॉप किया हुआ है। 200 ग्राम दही जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर हरा धनिया जाएगा। गरम मसाले में यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा इसमें जाएगा, 1 टीस्पून जीरा जाएगा, 2 यहाँ पर हरी इलायची जाएगी, 2 लौंग जाएगी, 4 इसमें काली मिर्च जाएगी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी। गरम मसाला पाउडर लास्ट में इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून है और यहाँ पर हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा इसके अंदर और यहाँ पर हरी मिर्चे है 3 ली हुई और ये ऑल स्पाइसेस हम लोगों के पास में झाड़ है उसका ये पत्ती ली है। अगर नहीं है तो फिर आप जाने दीजिए, इसको नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, बट ये हमारे पास में था तो हम लोग इसको मिला रहे, मतलब मिक्स कर रहे। इससे खुशबू अच्छी आती है, खुशबू भी अच्छी आती है और स्पाइसीनेस, मतलब कि इसमें तीखापन भी आता है, जैसे गरम मसालों में जो तीखापन होता है वो इसमें आता है, तो ये ऑल स्पाइसेस है। तो अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है तो ये वैसे ऑप्शनल है क्योंकि हर किसी के घर में ये झाड़ नहीं होगा, तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप रहने दीजिए, हमारे घर में ये पौधा था तो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब तेल डाल दिए, अभी गरम मसाला डाल दिए, गरम मसाला अच्छे से तड़क के हो गया। अभी इसमें प्याज डालेंगे और प्याज के साथ नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अभी प्याज अच्छे से उसका कलर बदली करेंगे। तो हमने प्याज भूनने के बाद में अदरक लहसुन भी ऐड किया था, 5 मिनट उसको भून लिया था। उसके बाद में हमने फेफड़ा, दिल और गुर्दा डालकर उसको भी 5 मिनट अच्छे से भून लिया था। उसके बाद में ये हमने सारे ड्राई मसाले डाले हैं, इसको भी हम 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। दही डालेंगे, अच्छे से भून के हो गया, अभी दही डाल दिए, अभी हरी मिर्ची डालेंगे और ये पत्ते डालेंगे। ये पत्ते को अच्छी गर्म मसाले की खुशबू आती है, खासकर दालचीनी की खुशबू आती है, वो टेस्टी लगता सालाना। ऐसा पौधा लाओ, घर में लगाओ और ऐसा बनाओ और खाओ। अब पूछेंगे कहाँ मिलता है, उसका लिंक डालो। डालेंगे नर्सरी में मिलता है, बड़ी नर्सरी में मिलता है। मिक्स हर्ब्स का प्लांट अगर आप अमेजोन पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। पानी डालेंगे इसमें, 1 ग्लास इसमें पानी डाले, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ढक्कन लगाएंगे और इसको 3 सीटी लेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी इसको 3 सीटी लिए और उसके बाद में कुकर का लिड जो है हम लोगों ने खोल दिए थे। अभी एक बोटी इसमें से निकालेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे और चेक करेंगे कि ये अच्छे से कुक हुई है या नहीं हुई है। तो ठंडे पानी में इसको डालें और ये देखिए बहुत ही अच्छे से, ये गर्म है थोड़ी, अच्छे से कुक हो गई है, अच्छे से ये टूट रही है। तो अभी इसको साइड में रखेंगे, के अंदर ये कलेजी डालेंगे। कलेजी डालने के बाद हम लोग सिर्फ 5 मिनट पकाने वाले हैं। तो अभी इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे, कसूरी मेथी और इसमें नींबू का रस, 1 नींबू का रस और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट पका लेंगे। पांच मिनट से ये अच्छे से पक गया। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। अभी को हमने मटन मिक्स मसाला बनाया, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनाए। ऐसा तुम भी बनाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज, अल्लाह हाफिज़।